पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। इस मामले में देश में रोज एक नया आयाम जुड़ रहा है, तो वहीं दुनिया भर के देश और संस्थानों ने इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस विवाद से सबसे ज्यादा हलचल इस्लामिक मुल्कों में है। इसी कड़ी में गुरुवार को इस मामले की गूंज कुवैत की संसद में भी सुनाई दी। कुवैत के सांसदों ने अपनी सरकार से मांग की कि वो पैगंबर मोहम्मद के अपमान के मामले में भारत के खिलाफ हर तरह का दबाव बनाए। कुवैत की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। कुवैत की नेशनल असेंबली में कुल 50 सदस्य होते हैं। इन 50 सांसदों में से 3 सांसदों ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस संयुक्त बयान में नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सरकार की जवाबी कार्रवाई की निंदा की गई है। सांसदों ने अपने बयान में आरोप लगाया कि भारत की पुलिस ने उन मुस्लिमों पर जबरदस्ती की जो पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। क्वेट टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला गंभीर नजर आने लगा है। क्वेट टाइम्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर लोग खुलकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये माहौल बनाए जाने लगा है कि खाड़ी के देशों से हिंदुत्व की विचारधारा को समर्थन देने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लोगों ने यह प्रतिक्रिया विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जवाबी कार्रवाई के तरीके को लेकर बताई जा रही है। खाड़ी देशों में 80 लाख भारतीयों का रोजगार जुड़ा हुआ है, जो विदेश से भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा है। 30 सांसदों ने अपने बयान में कहा कि कुवैत नेशनल असेंबली के सदस्य भारत सरकार और उसकी पार्टी और मीडिया के अधिकारियों द्वारा पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के पवित्र स्थलों के खिलाफ किए गए अपमान को अस्वीकार करते हैं। बयान में भारतीय मुसलमानों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई की निंदा की गई और उन्हें सुरक्षा देने का आह्वान किया गया। सांसदों ने कुवैत की सरकार और बाकी देशों के सरकारों से पैगंबर के अपमान और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हमले को रोकने के लिए राजनयिक, आर्थिक और मीडिया दबाव बढ़ाने का आग्रह किया। बता दें कि कुवैत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर पहले भी भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज को तलब कर उन्हें कुवैत सरकार का आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया, तब कुवैत ने इस कदम का स्वागत भी किया था। पैगंबर विवाद पर कुवैत का रवैया संतुलित रहा। उसने अपनी कूटनीति में अपने मुस्लिम आबादी और भारत के साथ संबंधों को साधने की कोशिश की है, लेकिन कुवैत के सांसदों के जोरदार विरोध के बाद भारत और कुवैत के संबंध नई दिशा ले सकते हैं। हालांकि इस पूरे विवाद पर भारत का रुख पहले ही साफ है। ये भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें दूसरे देशों को दखलंदाजी का कोई हक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।